पे कुकर में दो बैंगन को बीच से काट कर और चार आलू को छिलका हटा कर आधा गिलास पानी के साथ 3 सीटी लगा दिए छोटा वाला बर्नर पे हाई फ्लेम पर। तो ये इस तरह से पक के तैयार हो गया है। तो इसमें आलू और ये सब सारा इसको निकाल लेंगे बाहर प्लेट में। तो इस तरह से पानी बच गया है और इसको निकाल लिया है। यहाँ पे इसका डंठल निकाल लेंगे। ये सब सारा काम हाथ से ही करना है और ये बैगन का ऊपर में छिलका है इसको निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आलू की तरह निकलता है। तो धीरे धीरे करके और काटते टाइम ही बैगन को अच्छे से चेक कर लेना है, कीड़ा वाला नहीं डालना है। इस तरह से ये सारा हो गया है। इसमें टेस्ट से काला नमक डालेंगे। नमक का टेस्ट यहाँ पे हल्का ही रखना है। बारीक कटा हुआ प्याज कच्चा सरसों तेल राकेश का किचन क्वीन मसाला और ये 1 चम्मच के आसपास इसमें डाल देंगे या फिर बाद में टेस्ट से अगर कम पड़े तो इसको मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से दबा दबा के मिला लेंगे। यहाँ पे मैसर रहे तो मैसर से, नहीं तो इस तरह से फ्लैट ग्लास लेके उसे दबा के मिक्स कर लेना है। यहाँ पे चाहे तो सरसों तेल की जगह पे घी का यूज भी कर सकते हैं, तो जो भी प्रिफर करते हो वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है और यहाँ पे नमक टेस्ट कर लेंगे और फिर ये मेरा बैंगन आलू का चोखा बनके तैयार हो गया है। बेसन का सत्तू डालेंगे हरा मिर्च कटा हुआ लहसुन
एक छोटा प्याज अच्छे बारीक कटा हुआ, नमक रेगुलर नमक टेस्ट से, अजवाइन, मंगरेल डालेंगे, मिर्च पाउडर, टेस्ट से जितना खट्टा रखना हो। तो यहाँ पे एक ले रहे हैं, इसका निचोड़ के नींबू का रस डाल लेंगे। कच्चा सरसों तेल डालेंगे और इन सबको आप हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद यहाँ पे नमक मिर्च ये सब सारा टेस्ट को बैलेंस कर लेंगे। और उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा देके तो ये अभी इस तरह से बन रहा है। तो बस इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, बस यहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो ये मेरा सत्तू का स्टफिंग रेडी हो गया है सत्तू पराठा के लिए। यहाँ पे सत्तू पराठा के लिए डो लगा के रख दिए थे, ये बिल्कुल रोटी की तरह, रोटी के आटा की तरह लगाए थे और इसको आधा घंटा रेस्ट पे रखे थे। और अब बनाने से पहले इसको एक बार नीट कर लेंगे अच्छे से। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, बाद में खुद अपने आप सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको पानी देके गीला करने का जरूरत नहीं है। पराठा बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे, लोई लेंगे इतना बड़ा गोल करके, बर्तन में लगा लेंगे आटा में और इस तरह से बॉल बना लेंगे। बॉल बन गया और इसको इसमें भर लेंगे।
के हाथ से इसको धीरे धीरे बेल लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे, नहीं तो फिर ये सब कड़ा कड़ा हो जाता है, अच्छे से पकता नहीं है। और एक तरफ हल्का सा स्पॉट आने लगा तो इसको चेंज कर लिए। दोबारा से इस तरह से कटोरा बनाएंगे। एक तरफ अच्छे से होने से पहले ही इसको पलट लेंगे। एक्स्ट्रा इसका निकाल लेंगे और हल्का हाथ से दोबारा से बेल लेंगे। उधर से भी अच्छे से पकने देंगे। और जब दोनों ओर से देखिए अच्छे से पक गया है तो हल्का सा घुमा के ऑयल डालेंगे। इसको दबा दबा के पकने देंगे। तो ये मेरा सत्तू का पराठा तैयार हो गया है।